सब्सक्राइब कीजिए एमके बीटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एमके बीटेक चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डाउनलोड फेयर एरर को व्हाट्सएप के कैसे फिक्स कर दें। तो अभी देख सकते हैं तो इस एरर को कैसे फिक्स करेंगे। सबसे पहले आपको फाइल्स मैनेजर में जाना है, ऑल फाइल्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है स्क्रॉल डाउन करना है और व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करना है। आपका जो व्हाट्सएप का जो मीडिया रहता है इसे क्लिक कर दीजिए। आपका मीडिया क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके मूव किसी और फाइल या एसडी कार्ड में मूव कर दीजिए। नेक्स्ट आपको व्हाट्सअप ओपन करना है। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको चैट पे क्लिक करना है। उसके बाद चैट बैकअप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको चैट का बैकअप लेना है। फिर चैट बैकअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐप्स में चल जाना है। स्क्रॉल डाउन करना है ऊपर यहाँ पर। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप पे क्लिक करके यहाँ पर स्टोरेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोर्थ स्टॉप पे क्लिक करके ओके कर देना है। फिर बैक आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन पे जाना है। अलाउ ऑल परमिशन आपको कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप। अगर व्हाट्सएप आपका अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर दें। उसके बाद देखिए मेरा अपडेट मांग रहा है तो अपडेट करूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर वैसे एरर आ रहा है तो जो आपका फ्रेंड आपको जो मैसेज किए थे वो फिर से एक बार रिसेंड करना होगा तब आपको आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर।